cases, be it in Akhlaq's case, be it in Junaid's case, they all point to a certain kind of a political impunity that the Modi government has given to these kind of gundas in the country who are going on a rampage and going on killing minorities and Dalits. You talked about 97% of the victims of gau-rakshaks being Muslims. I'm sure the 3% are Dalits. So there are these two communities that have become at the center of attack. And gaye sirf ek bahana hai. Asli nishana Musliman aur Dalit hai. Jo RSS ka sapna hai is desh ko Hindu Raj mein tabdil kar dene ka. 90 saal se iske liye wo kaam kar rahe hain. Aaj unko lag raha hai ki unki kendr mein sarkar hai, bahut sare rajyon mein sarkar hai, to wo waqt aa gaya hai ki is cheez ko wo sabit kar dein. नफ़रत को और समाज में एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के ख़िलाफ़ एक पूरा माहौल बनाने में बहुत अहम रोल अदा किया है मोदी सरकार ने, उनके मिनिस्टर्स ने, उनके कार्यकर्ताओं ने, लीडर्स ने. ये जो ट्रेंड एक बनता जा रहा है हर थोड़े टाइम के बाद, जब हमें लगता है कि शायद कुछ असर हो गया है, शायद कुछ जो है ये लोग सुधर गए हैं, तभी कोई ना कोई उससे पिछली घटना से ज़्यादा शर्मनाक और ज़्यादा खतरनाक घटना ये जो लोग अंजाम देते हैं. जैसा ही अभी अलवर में मोहम्मद उमर के साथ हुआ, पहले पहलू खान को जिन लोगों ने मारा उन लोगों को जो ना छोड़ दिया जाता है, उन बल्कि अखलाक के घर को जिन्होंने उनको बाकायदा सरकारें नौकरी दे रही हैं. तो इन सब कामों से जो है ना, जो इस तरह के क्राइम करने वाले लोग हैं उनकी हिम्मतें बढ़ रही हैं, वो लोग और ज़्यादा से ज़्यादा हीनियस क्राइम करने के लिए जो है ना उतारू हो रहे हैं. हमारा सिर्फ यही मांग है सरकार से कि सरकार एक बार स्टर्न हो जाए, एक बार इनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन ले ले, तो जो है लोगों की हिम्मत टूटेगी और लोग आगे से इस तरह के काम करने से रुकेंगे. ये पूरा माहौल ये सरकार तैयार कर रही है और इसकी खामोशी, जैसे अभी राजस्थान में उमर के साथ हुआ, पुलिस वहाँ क्या कर रही है? पुलिस ने ये प्रूफ करने की कोशिश करी है कि ये स्मगलर्स थे. सारा जोर इस बात पे है कि ये स्मगलर्स थे. 2012 में इसके ख़िलाफ़ एक FIR रजिस्टर हुई थी, क्या है वो, क्रूलिटी अगेंस्ट एनिमल्स के केस के अंदर. तो अब क्या प्रूफ कर रहे हो? एक आदमी को मार देना चाहिए, अगर उसके ऊपर केस था तो उसको मार देना चाहिए. बीजेपी के बहुत सारे नेता स्मगलिंग कर में पकड़े जाते हैं, सेक्स रैकेट चलाने में पकड़े जाते हैं, बच्चा चोरी में पकड़े जाते हैं, लेकिन उनको कोई मार तो नहीं देता जाकर है. गाँव स्मगलर हैं या कोई है, लेकिन वी आर नॉट लिविंग इन अ बनाना रिपब्लिक. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है, लॉ है, हमारे यहाँ एक क्रिमिनल कोड है जिसके अंडर अगर कोई एनिमल को कोई स्मगलिंग भी कर रहा है तो उसके लिए पर्टिकुलर लॉज हैं, उनके लिए सजा है. ये थोड़ी आप भीड़ बन के किसी को भी मार देंगे. कल तो फिर कोर्ट्स को सब, सारी कोर्ट जितनी भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट सबको बंद कर देना चाहिए. फिर तो जिसका भीड़ का जो मन करेगा वो फैसला सुना देंगे अपने हिसाब से. तो ये संगठित भीड़ है, ये कोई एकदम से पैदा हुई भीड़ नहीं. ये इसमें RSS के लोग शामिल, इसमें ABP के लोग शामिल, इसमें बजरंग दल के लोग शामिल. मारते हैं उसके बाद पुलिस जो है, जो लोग, जिन लोगों ने मारा है उसको बचाने की पूरी स्क्रिप्ट तैयार करना शुरू कर देती है. पहलू खान के मारने वाले आज बाहर हैं, इसीलिए आज उमर खान का घटना हुआ. अभी योगी आदित्यनाथ साहब उत्तर प्रदेश में बोलते हैं कि उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य हो गया है मेरी सरकार आने के 8 महीने बाद जहां कोई हिम्मत नहीं कर सकता कि गाय को हाथ भी लगाए. वही राज्य में बच्चे मर जाते हैं, उनकी हिम्मत है उन बच्चों की मौत को जस्टिफाई करने का. उसी राज्य में सहारनपुर में दलितों को मारा जाता है, वो हिम्मत है कि उस चीज़ को भी जस्टिफाई करने का, और वहाँ के जो उनके वहाँ काम कर रहे थे चंद्रशेखर आज़ाद उन पर रासुका लगा के बंद करने का, लेकिन गाय को हाथ लगाने की किसी की हिम्मत नहीं है. तो आप देख सकते हैं कि क्या काम, क्या एजेंडा यहाँ सरकार का है. एक तरफ देश में बदहाली है, देश में लूट है, उनकी जितनी आर्थिक नीतियाँ हैं वो देश में गरीबों को और गरीब बनाया है, अमीरों को और अमीर बनाया है, देश में गैर बराबरी बढ़ी है, और इन सब चीज़ों पर बात ना हो इसलिए छोटे छोटे सांप्रदायिक दंगे, छोटे छोटे सांप्रदायिक हमले वो करे जा रहे हैं. देखिए, हम इसको इस तरह देखते हैं कि ये हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी की हत्या की तरफ बढ़ रहे हैं. क्या जर मजा है कि एक आदमी जो मारा गया है उसकी FIR लिखने में 2 दिन लग गए आपको? क्यों नहीं लिख रही पुलिस? और लिखने से पहले इतने एक्सप्लेनेशंस दे रही है, ACP से लेकर के और छोटे ऑफिसर तक ये कह रहे हैं कि ये था, ये था. आप पहले से डिसाइड कर रहे हो कि ये केस क्या था? द मेवाती कम्युनिटी एंड अलवर, आई हैव लुक्ड आफ्टर दिस फॉर 10 ईयर्स एज अ मेंबर प्लानिंग कमीशन. And now I think that situation has been so manipulated that they have become the worst targets of communal hate. Hindustan mein nafrat ki rajneeti karke ye
ایک کمیونٹی کو دوسرے کے خلاف بھڑکا کر یہ سوچتے ہیں کہ اپنا جو چناوی پوٹلا ہے وہ بھر لیں گے, تو یہ تو مطلب ہندوستان سے دشمنی ہے, دوستی نہیں ہے. سرکار آر ایس ایس کی سپت سے نہیں آئی ہے, سمویدھان کی سپت سے آئی ہے, دیش کی قانون ویوستھا کی سپت کھا کر آئی ہے. ایٹ دس ٹائم وی آل نیڈ ٹو کم آؤٹ آف آر کمفرٹ زون اینڈ دا انرشیا وچ سمپلی انویلپس اس آل دا ٹائم اینڈ کم آؤٹ ٹو ایوری سنگل دی اسٹریٹ ڈیمونسٹریشن دیٹ وی کین, بیکاز آئی تھنک وی ہیو لاسٹ دا گیم وین وی ان اے وے کٹ آر سیلف آف فرام دا گراؤنڈ اینڈ وی بیکیم آرم چیئر فلاسفرز. کچھ بدلے گا جب بھی جب ہم سڑکوں پہ آئیں گے, اور ہم کو بار بار سڑکوں پہ آنا پڑے گا. ہم کو یہ سرکار رکنے والی نہیں ہے, یہ سنگی گنڈے رکنے والے نہیں ہیں, جو ان کا خون بھرا رتھ چلا ہے وہ رکنے والا نہیں ہے. جب تک ایک راجنیتک وکلپ بھر کے نہیں آتا تو وہ رکنے والا نہیں ہے, اور جب تک وہ راجنیتک وکلپ نہیں آتا ہم کو بار بار سڑکوں پہ آنا پڑے گا, یہ اکاؤنٹیبلٹی مانگنی پڑے گی, اور سڑکوں پہ آنے سے ہی وہ وکلپ نکل کر آئے گا. زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد.